नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ और मैं हूँ रूहानी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर थे और जम्मू की जनता काफी उत्साहित थी और स्वागत भी किया, लेकिन कांग्रेस का क्या इसमें मत है? क्या वो रैली सफल रही या फिर कहीं ना कहीं वो एक जुमलेबाजी उसमें देखने को मिली? किस तरह से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया जनता को और तमाम जो बातें गिनाई, अपनी सरकार की भी गिनाई और एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया, बालाकोट का भी जिक्र किया, पाकिस्तान का भी जिक्र किया और तमाम वो मुद्दे जिससे जो है उपलब्धियाँ जो है वो बढ़ सकती है भाजपा की आने वाले चुनाव में। रविंदर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, इनसे जानेंगे। सर, आप एक आवाज़ हैं कांग्रेस पार्टी की, जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कल की रैली कितनी सफल रही? क्या वो लोगों पर एक छाप छोड़ पाएगी आने वाले इलेक्शन? देखिए, जो उत्साह पहले कभी दिखता था वो उत्साह तो नहीं दिखा। आपको लगा गैदरिंग भी जो है वो जिस तरीके से वो उम्मीद करते थे वो नहीं हुई और बड़ी मशक्कत के बाद भी उनको मुझे लगता है कि 22,000 कुर्सी जो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक थी तो ज़्यादा जनता वहाँ इकट्ठी नहीं हुई। जो 2 लाख 1 लाख के दावे थे वो पूरे नहीं हुए और वो जनता में उत्साह क्यों नहीं? क्योंकि जम्मू का जो मैंडेट था, जो मैंडेट उन्होंने लिया था 2014 में, जिन बातों पे वो खोखले निकले, वो जुमले निकले और ख़ास करके जो बिट्रे किया, जम्मू के साथ धोखा किया और उस पार्टी का जिसका वो कल जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस उनके साथ मिली है, उन लोगों के साथ मिली है, उनको ये भूल गया कि चंद माह पहले वो उस पार्टी के साथ गठबंधन में थे और तमाम वो चीज़ें उनकी पार्टी तो नतमस्तक थी और वो तमाम चीज़ें जिनका वो कल जिक्र कर रहे थे वो एजेंडा जो है वो सरकार में वो लागू हो रहा था और वो सरकार उनकी साझी थी और उनके जिनके जिक्र करते हैं अगर वो नारे असम्बली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे, उनके स्पीकर, उनकी पार्टी के स्पीकर क्या एक्शन हुआ? आज तो कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी किसी किस्म के को बात करती है जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है और वो लोग जो हैं उसका जिक्र उसके साथ जुमले में कांग्रेस का जोड़ना ये एक नया जुमला है। लेकिन अगर आप गठबंधन करोगे तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन में आप साथ जा रहे हैं। सुनिए, गठबंधन नहीं है, सीट शेयरिंग है कुछ पार्टी के साथ, लेकिन पीडीपी ने अगर कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तो उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ विरोध है। उन्होंने अपनी राजनीति के तहत अगर वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, बारामूला में हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है और सीटों पर ही क्यों सर गठबंधन किया? देखिए, कश्मीर में, श्रीनगर में हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जो एक सीट पे हम नहीं लड़ रहे, बाकी जगह वो भी लड़ रहे हैं चुनाव, हम भी लड़ रहे हैं। हमारी विचारधाराओं में कई जगह अंतर है, जो उनके में कई इंडिविजुअल लीडर्स ऐसे बयान देते हैं, उनको जो इंडिविजुअल को बयान देते हैं वो उनकी पार्टी को पूछना चाहिए, लेकिन हम तो उन बयान को रिजेक्ट और कंडेम करते हैं जो देश की भावना के खिलाफ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद की विक्टिम रही है, 2 प्रधानमंत्री हमारे शहीद हुए, मुख्यमंत्री बेअंत सिंह शहीद हुए, इसलिए ये कहना उन इसका मतलब उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो चुके हैं। मोदी ने कहा है कि देश का विरोध करते करते कहीं ना कहीं मोदी विरोध करते करते देश का ही विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। उनको मोदी जी को लगता है कि वही देश है और मोदी जी का विरोध देश का विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध देश का विरोध नहीं है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग पार्टी से सवाल करते हैं, आज वो सत्ता में बैठे हैं, 5 साल पहले उन्होंने जो बातें यहाँ जम्मू में की थी, क्या पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया? क्या पाकिस्तान को आंख दिखा दी गई? 5,000 से ज़्यादा बार पाकिस्तान ने हमारे पर फायर किया, 500 से ज़्यादा जवान हमारे जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। कल आया है, मुझे बात कम्प्लीट कर दीजिए, आतंकवाद का वो कांग्रेस ने, पीडीपी ने और नेशनल कांग्रेस ने बोला, कश्मीर में जो हालात खराब हुए उसके लिए जिम्मेवार कौन है? 2014 में जो जिस तरह से सफल चुनाव हुए, आज वो असेंबली का चुनाव नहीं करवा पा रहे, अनंतनाग चुनाव उनकी सरकार में नहीं हुआ, वो कैसे भूल जाते हैं कि इतने आतंकवादी उनकी सरकार में उभरे, इतने आतंकवादी मारने के बाद भी 250 से 300 आतंकवादी अभी एक्टिव हैं, जो उस वक्त 70 के करीब रह गए थे कुल। इसलिए सबसे बड़ी विफलता मोदी सरकार की, जो मैं मानता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था के देश की सुरक्षित नहीं रख सके। 5 साल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, गोलाबारी, पाकिस्तान तरफ से घुसपैठ बंद नहीं हुआ, जो कि चरम सीमा पे पहुंचा है, वो उस तरफ ना जाते हुए इसलिए उनको कांग्रेस का नाम लेना पड़ता है कि कोई और जवाब नहीं। नोटबंदी पे कोई बात नहीं, जीएसटी जो गलत तरीके से लागू हुआ उसका जो आदि व्यापारी काम ठप हो गया, महंगाई गैस सिलेंडर से लेकर के हर चीज़ जो है इतनी महंगी है, आम आदमी सोचता है कि उस पर, और जो राहुल गांधी जी ने कहा कि हर गरीब को एक सीमा हो गई कि 12,000 से कम जिसकी आमदन है उसको गरीब समझाएगा, उसकी 12,000 आमदनी बनाई जाएगी, अगर उसको 72,000 रुपये तक पर गरीब आदमी उसको दिया जाएगा। इसलिए बौखलाहट में उन्होंने कांग्रेस को और उनको आतंकवाद के साथ छोड़ना, ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि और कुछ नहीं उनके शस्त्र में। जेटली कहते हैं कि विकास के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा 2014 में, लेकिन अरुण जेटली कहते हैं कि बाधा जो है जम्मू में कश्मीर में विकास के नाम पर वो 35 से बन रहा है, 370 में क्या किया? 370 और 35 का क्या किया उन्होंने? जब गठबंधन किया तो एजेंडा हुआ, इसमें लिख के दिया कि हम इस पर बात नहीं करेंगे,
जिस 70 साल पे जिस बात पे जिस मुद्दे पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दवाई देते रहे उस पे तो उन्होंने लिख के सत्ता का जो है वो भोग जो है वो सत्ता को उन्होंने चूमा और उस पार्टी और उनके साथ गठबंधन किया जिनके साथ उनकी विचारधारा नहीं मिलती। उन्होंने कहा बाप बेटी की सरकार को रोकने के लिए हमें मैंडेट दो, इसलिए बहुत बड़ा धोखा मोदी जी ने खुद और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के साथ किया। आज उनको जवाब नहीं बन रहा। आज पार्टी वाले कहते हैं कि मोदी के सामने कोई नेता टिक ही नहीं सकता, इतने दिग्गज नेता के राहुल जो है वहां पर कुछ लोग मौजूद थे सर, उनसे हमने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी में आप देखते हैं कि एक टक्कर का नेता है, तो वो कहते हैं वो भी बच्चे हैं उनको राजनीति की। वो तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी भगत के आप पूछेंगे तो वो ये जवाब देंगे, वो तो जनता वहाँ जो गई थी वो रैली वो कहाँ कहाँ से है वो तो उनके कार्यकर्ता थे। आप आम जनता से पूछिए, सवाल ये नहीं है। प्रधानमंत्री पहली बार इतने निचले स्तर की राजनीति पे प्रचार मंत्री के तौर पे उतरे हैं और इसलिए वो प्रचार मंत्री से ऊपर उभर नहीं पाए, वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए, वो एक पार्टी के ही नेता बन रहे रह गए, वो देश के नेता बने। उनको इतना प्रहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी करे, उनके अध्यक्ष और वो लोग करें, प्रधानमंत्री के मुँह से एक सिर्फ प्रचार मंत्री के तौर पर हमें सुनने को मिल रहा है। के लिए कुछ नहीं कहा गया, उस पर आप क्या? जवाब ही नहीं। उनके पास 2 करोड़ उन्होंने कहा था वादे और 1 करोड़ 10 लाख जो है वो नौकरियां जो है वो चली गई आपके नोटबंदी जीएसटी और बाकी चीज़ों से, इसलिए जवाब नहीं बनता। सवाल है मेरा आपसे, आप बलिभांति इसका जवाब दे पाएंगे? रोगा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह सामने आ रहे हैं, आपके विक्रमादित्य जी आ रहे हैं, तमाम ये लीडर्स आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत डोगरी में की, क्या ये कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश? नहीं, वो दो शब्द डोगरी में बोलने से मैं नहीं समझता उसका सम्मान हो सकता है। जो डोगरों के साथ उनका वादा था वो वादा खिलाफी हुई, उनके ही अपने लोग जो हैं आज निकल के आए हैं और उनके भी लोग बगावत के तौर पे निकले हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उसका जवाब क्या है? सबसे बड़ी एक बात देखी जा रही थी तमाम यहाँ पर, एक र्यूमर सा था कि श्याम लाल शर्मा शामिल हो रहे हैं, लेकिन कल वो भी असमंजस की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई, इसको आप कैसे ले, किस तरह की राजनीति? भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने में, झूठ फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, इसलिए कई किस्म के प्रमुख श्याम लाल ने कईयों के नाम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मिसयूज करके चलाते थे। मुझे नहीं समझ आई कि वो लोग हमारे प्रचार में शामिल हैं। अगर कहीं किसी पार्टी में कोई आदमी को कोई अपनी शिकवा शिकायत है उसका मतलब ये नहीं, लेकिन वो तो हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं सारे लोग, जिनके नाम व्हाट्सएप पे और सच सामने आ गया, इसलिए उन्होंने कोशिश की होगी कि कहीं ना कहीं नाराजगी से हम ये लाभ ले लें, लेकिन अल्टीमेटली उनको कामयाबियाँ नहीं मिलती, इसलिए वो झूठ और प्रचार फैलाने में मायर है। सवाल करूंगी, मोदी स्टार फेस बने हैं बीजेपी के, आपके तरफ से कौन स्टार फेस जम्मू की धरती पर आएगा और यहाँ पर संबोधित करेगा जनता को और वोट जो है बटोरने की कोशिश करेगा? देखिए, हमारे पास बहुत बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनको दावत तो है, और उसके अलावा श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रियंका गांधी जी को भी हमने दावत दी है, और उसके अलावा भी बड़े नेता जो हैं उनको हमने दावत दी है, लेकिन हमारे पास गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर करण सिंह जी, रियासत के इतने बड़े नेता हैं, मैं समझता हूँ कि उन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में कोई काम किया है और यूपीए के टाइम जो जम्मू कश्मीर में आज जितने टनल, जितने हाईवे, जितने रेलवे लाइनें आप देख रहे हैं, ये यूपीए की देन है, और इसलिए यूपीए के कार्यकाल में जो काम हुए हैं लोगों को उसका सम्मान है। आज तो उन्होंने सिर्फ उन स्कीमों का नाम बदला है, कहाँ है सो स्मार्ट सिटी, जम्मू मेट्रो सिटी कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है, और जम्मू का एम्स कहाँ है? वो तो गवर्नर रोड में अभी पत्थर रखा गया, 5 साल तो हो गए। जम्मू के मेडिकल कॉलेज जो हमने दिए थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिए थे, वो कहाँ हैं? 5 साल की उपलब्धियाँ गिनाएं, बजाय इसके कि वो देशभक्ति का राग लापें, तो सेना और हमारे वीर जवानों की वीरता के ऊपर राजनीति करें। चुनाव आयोग ने भी कहा कि सेना के जो जवान शहीद हुए हैं उनके फोटो लगाओ, उनका मकसद मैसेज ये है कि आप सेना की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बनाते हैं। आज अगर उपलब्धि साइंटिस्ट की है, वो भी वो कहते हैं कि 4 साल में ही हमने किया। रोम वाज नॉट मन नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम का देश एक दिन में नहीं बनता। पिछले 70 साल से जो साइंसी उद्योग और बाकी चीज़ों में पंडित जवाहरलाल नेहरू से काम शुरू हुए थे, उसकी उपलब्धियाँ हैं कि आज भारत देश सुपर पावर के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। वो 70 साल की, 5 साल में, 55 महीने में, 60 महीने में मोदी जी ने ये सारा कुछ कर दिया, और फिर वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की भी उल्लंघना करते हैं और भाषण देते हैं, और इलेक्शन चुनाव आयोग अब मजबूर है, उन्होंने पैनल बनाया। इस्लामाबाद के नारे अकबर लोन की तरफ से लगाए गए, अली मोहम्मद सागर कहते हैं कि ये मुजाहिदीनों की पार्टी है, महबूबा मुफ्ती कहती है वी आर रियल मुजाहिदीन, अगर ऐसी पार्टी के साथ कांग्रेस बिल्कुल हम उन चीजों गठबंधन करेगी सर, आपको लगता है छवि कोई गठबंधन नहीं, कोई छवि नहीं, हम उन चीजों को अप्रूव नहीं करते, वो उनकी पार्टी के एजेंडे हो सकते हैं, हम उन चीजों को रिजेक्ट करते हैं जो देश की भावना के साथ खिलवाड़ करता है, जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उनके साथ हमारा कोई समझौता
पता नहीं। और कहते हैं कि रिजेक्ट करते हैं, दिग्विजय सिंह सर कैसे सबूत मांग रहे हैं, ओसामा को मारा तो अमेरिका ने सबूत दिए, आप भी सबूत दीजिए। देखिए जो इंटरनेशनल मीडिया जो उसमें चीज़ें आती हैं, देश की सरकार से कोई चीज़ पूछना, रफेल पे पूछना, तो वो कहते हैं देश को सवाल कर रहे हैं, सेना को सवाल कर रहे हैं। सेना को सवाल नहीं है वो, क्योंकि जब आप राजनीति करेंगे नहीं, जब हम ये पूछते, ओपोजिशन का रोल तो है ही, तो वो जब गिनती करते हैं अमित शाह जी, तो वो गिनती बताएं ना कि कहाँ से इतने आंकड़े आए। अच्छी बात है, हम भी खुश हैं कि हमने, कहते हैं कि आपने कम किया, आपने उनकी कब्र तोड़नी चाहिए थी, और उसमें किसने, पूरा देश उठ करके आपके साथ खड़ा रहा, किसने रोका आपको। लेकिन यह है कि आप उस उपलब्धि को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो जरूर ओपोजिशन सवाल करेगी सरकार से। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे अगले? बिल्कुल होंगे, आप देख लीजिए, एक महागठबंधन चुनाव से पहले चुनाव के बाद उभर के आएगा, और नॉन बीजेपी सरकार के अंदर ओवैसी ने कहा है ना बीजेपी से प्रधानमंत्री होगा ना कांग्रेस से होगा, एक रीजनल पार्टी। देखिए किसी के कहने का, वो अपनी अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए भाषण तो होते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी और नॉन बीजेपी सरकार होगी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट होगी। इसलिए आप देखते जाएंगे जो जो चुनाव नज़दीक आएगा, और इनको घबराहट नजर आती है जिस तरह के भाषण ये देते हैं। बाकी सब देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो है वो देशभक्त हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रविंदर शर्मा जी हमारे साथ थे, इनका कहना था कि सर्टिफिकेट जो है नेशनलिज्म का वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी दे रही है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि कल जिस तरह से उत्साह देखा गया तो लग रहा है कि जम्मू की सीटों पर वोट बटोर सकती है भाजपा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जम्मू की जनता किसको जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगी। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।